ইমান দিনে উপেক্ষিত আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, এতিয়া দিল্লী গৈ উপস্থিত হৈছে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰদলিত। নিয়মীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ সকলো গোটক সামৰি শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে স্থায়ীভাৱে সমাধান হৈছে বড়ো সমস্যাৰ। বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ নিশ্চিত কৰিছে। কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লোকসভাত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। नॉर्थ ईस्ट में गत पांच वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। लगातार मंत्री नॉर्थ ईस्ट में दौरा करते रहे, रात रात वहां रुकते रहे, छोटे छोटे इलाके में जाते रहे, टीयर टू टीयर थ्री छोटे स्थानों पर गए। यहां पर ये बोड़ो की चर्चा आई और ये कहां गया, ये कोई पहली बार हुआ है? हमने भी कभी ये नहीं कहा कि पहली बार हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया, जो भी किया गया आधे अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया एक प्रकार से खानापूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पे तो हो गए, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4,000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आर्म्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टम नहीं है ताकि हमारी बात बार बार उजागर हो फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे। इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं, और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी।